डिफिकल्ट टू कॉल वन शो और कितने सरप्राइजेस माय फेवरेट। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ एंड न्यू टू दिस चैनल। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज टेक अ मोमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली आई हैव कंप्लीटेड 10K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। दिस इज नॉट लेस देन एन अचीवमेंट बिकॉज आई नो, ओनली आई नो दैट हाउ मच आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस। एंड मेरा इससे पहले एक चैनल डिलीट हो गया, उसके बाद मैंने दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट किया एंड मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लाइक आई हैव कम्प्लीटेड 10K सब्सक्राइबर्स। एंड यूट्यूब में 10K सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट करना इजेंट वेरी ईजी। यूट्यूब आपसे बहुत मेहनत मांगता है एंड उसके बाद आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सो आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड एक एक इंसान को लाइक बहुत बड़ा वाला शुक्रिया कि आपने मुझे फॉलो किया एंड आपने मेरे चैनल को इतना हेल्प करी ग्रो करने में, इतना पसंद किया, उसके लिए लाइक बहुत बहुत दिल से थैंक यू। एंड बहुत ही जल्दी मैं एक गिव अवे भी लेके आने वाली हूँ फॉर माय यूट्यूब फैमिली, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। सो इट इज़ गोइंग टू बी अनदर मीशो हॉल। एंड आज मैं आपके लिए बहुत ही प्रिटी शॉर्ट कुर्तीज लेके आई हूँ एंड अभी मीशो पे सेल भी आने वाली है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन परचेज फ्रॉम मीशो। मैं आपके साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव कुर्तियाँ शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड विदाउट डूइंग एनी मोर बक लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, हमारी जो पहली कुर्ती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। एक्चुअली व्हाइट इज समथिंग जो मेरा मोस्ट फेवरेट बन चुका है। अभी भी आई एम वेयरिंग दिस व्हाइट शर्ट एंड दिस इज फ्रॉम Amazon। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई नो आप लोग भर भर के लिंक मांगने वाले हो। पहली कुर्ती है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी थी। लाइक बिटवीन 200 to 300 इसका प्राइस था। सो इट इज़ डैम गुड एंड एज यू कैन सी ये कितनी ज़्यादा प्रिटी लग रही है। एंड यहाँ पे ना आपको फ्रंट पे ऐसे नॉट देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। एंड इसमें ना पूरा प्रिंटिंग वाला काम किया गया है एज यू कैन सी। एंड इसकी जो स्लीव्स आती है वो 3-4 स्लीव्स आती है एंड जो ये प्रिंटिंग का काम है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा एंड जमावट वाला किया गया है। आई डोंट नो कि मीशो में इतने अफोर्डेबल प्राइस में मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे मिल जाती है। लाइक दिस इज समथिंग आई रियली लव। गौर से देखोगे ना पास से तो ये जो इसमें प्रिंटिंग की गई है ना ये थोड़ी थोड़ी सी शाइन भी कर रही है। इसकी लेंथ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैक साइड से एज कैन सी ये पूरी सिंपल है। ओवरऑल इसका लुक एंड फिट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसको ब्लैक पैंट्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। एज कैन सी मैंने इसको ब्लैक के साथ ही स्टाइल किया था। तो आप इसको ब्लैक के साथ भी स्टाइल कर सकते हो एंड आप इसको हाई वेस्ट जीन्स के साथ भी स्टाइल कर सकते हो। सो आप इसको मल्टीपल तरीकों से स्टाइल कर सकते हो एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर परचेज करो। सो गाइज, सेकेंड कुर्ती मेरी मोस्ट फेवरेट है एंड उसको मैंने अभी रिसेंटली वियर भी किया। दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट कुर्ती एंड ये ग्रीन रेड कलर में है। मैं आपको फ्रंट में एज कैन सी यहाँ पे आपको नॉट वाली डिज़ाइनिंग देखने को मिलती है एंड आप इसको थोड़ा टाइटली भी बांध सकते हो। लाइक मैंने थोड़ा टाइटली बांधा था सो ताकि इसका लुक ना थोड़ा सा अच्छा है, वरना बहुत ही एकदम सीधा सीधा सा लग रहा था। सो मैंने इसको थोड़ा सा वैसे स्टाइल किया था एंड इसमें भी आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाती है। मैंने साइज परचेज किया वो एक्स्ट्रा स्मॉल एंड इसके पहले वाले में भी एक्स्ट्रा स्मॉल ही परचेज किया था। इसकी जो प्रिंटिंग है एंड जो इसकी बनावट है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। जो घेरा है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। बैक साइड में एज कैन सी ये पूरी सिंपल सी है एंड इसका ओवरऑल लुक तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो प्राइस था वो आई थिंक 300 से 350 के बीच में था, बट अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये कुर्ती कसम से यार एकदम वर्थ है। मतलब प्योर कॉटन की कुर्ती है एंड मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्मी वाले टाइम में पहना था। मतलब अभी तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा गर्मी चल रही है, स्पेशली यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मियों का कहर है। सो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी बट मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं कोई कुर्ती वियर करके आई हूँ। इट वॉज दैट कम्फर्टेबल। एंड ऑल्सो गाइज, जो मैंने ये पैंट स्टाइल किया है ना इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी तो सावन आने वाला है, सावन में ग्रीन कलर इज समथिंग जो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। मेरी रिकमेंडेशन पे आप ले लो, मेरे कहने पे ले लो एंड आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा। आई विल हाईली रिकमेंड। थर्ड शॉर्ट कुर्ती है, इट इज लाइक अ शॉर्ट कुर्ती कम टॉप। सो इट इज दिस एंड ये अभी मैं लाना भूल चुकी हूँ। सो अभी ये मेरे पास नहीं है। मैं आपको ना पूरा यहाँ पे फ्रंट सेक्शन पे थ्रेड वर्क देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगता है। ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था, आपको अंडर 200 मिल जाएगा। सो आप डेफिनेटली इसको भी चेकआउट कर सकते हो, इसका लुक वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये पिंक कलर की कुर्ती। इट इज़ डैम गुड गाइस। लाइक जब मैंने इसको वियर किया ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगी। ये भी प्योर कॉटन की कुर्ती है एंड इसमें आपको ये राउंड नेक देखने को मिलेगा एंड इट इज़ अ स्ट्रैपी कुर्ती।
सो इसकी जो स्ट्रैप्स है ना वो एडजस्टेबल नहीं है, रेगुलर साइज पे ऑर्डर करना तो आपको एकदम इजीली फिट आ जाएगी। मैंने इसमें भी एक्स्ट्रा स्मॉल ही ऑर्डर किया है, सो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। मैं आपको दो बेल्ट भी मिलती है एंड इट इज अ प्योर कॉटन गाइज। अगर आप घर में भी कुछ कम्फी पहनना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है घर वगैरह के लिए भी एंड अगर आप ऑफिस जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। आई मीन प्योर कॉटन है तो एब्सोल्युटली आप इसको परचेज कर सकते हो एंड इट इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, लाइक 250 के अंदर ही थी। सो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी एक प्रोडक्ट मैं चूज नहीं कर सकती जो मेरा फेवरेट हो, सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट इज माई फेवरेट एंड यू हैव टू बाई ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। मजाक कर रही हूँ जो आपको पसंद है आप वही परचेज करना। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ एंड वो भी बहुत ही ज्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है। तो गाइज हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुर्ती है ये एंड इट इज अ ब्लू कलर। यू कैन सी कितना ज्यादा प्रिटी लग रहा है ये स्क्रीन पे एंड जैसे मैंने आपको ग्रीन वाली दिखाई थी ना, थोड़ा सा इसका पैटर्न सिमिलर टू दैट है बट इसका भी मटेरियल कॉटन का है, प्योर कॉटन है तो गर्मियों के लिए एकदम एप्रोप्रिएट है एंड आप चाहे कॉलेज जा रहे हो ऑफिस जा रहे हो घर में भी आपको वियर करने हैं कुछ कम्फी क्लोथ्स तो उसके लिए भी आप इसको परचेज कर सकते हो। सो इसका फ्रंट कुछ ऐसा सा है एंड यहाँ पे भी आपको नॉट देखने को मिलेगी एंड इसमें भी सेम आपको प्रिंटिंग वाली डिजाइन देखने को मिलेगी। As you can see, इसका भी जो ये घेरा है ना वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। यहाँ पे भी आपको दो नॉट मिलते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है। आप इसको ब्लैक पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, आप इसको व्हाइट पैंट्स के साथ स्टाइल कर सकते हो एंड बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगेगी। आप इसको व्हाइट स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो एंड वो जो पिंक वाली मैंने दिखाई थी वो भी आप व्हाइट स्कर्ट के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, लाइक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगी एंड थोड़ा हटके लगेगी। सो गाइस आप इसको भी परचेज कर सकते हो एंड इसकी भी स्लीव्स 3-4 स्लीव्स आती हैं। सो अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो देन आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इसको जरूर गिव अ ट्राई दो। ओके मंचकिन, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, स्प्रेड लव, बाय।